आज बनाएंगे कढ़ाई के तले पे यानी कि कढ़ाई की उल्टी साइड पे बिल्कुल देसी जुगाड़ से तो बटर नान घर पे ही इतने आसान तरीके से कि घर में बच्चों से लेके बड़ों तक कोई भी इस बटर नान को खाएगा इसका दीवाना हो जाएगा। तो चलिए बिना देरी करे कढ़ाई की बैक साइड पे जबरदस्त बटर नान कैसे बनाए जाएंगे बताते हैं। आटा गूंथने के लिए सबसे पहले एक परात ले लीजिए या कोई थाली जिसमें आप डेली परात में आप आटा गूंथते हो और उसमें लगभग 1.5 कटोरी हमने डाल दिया है मैदा। दोस्तों आप इसमें अपने अनुसार मैदा डाल सकते हैं लेकिन मैं आज आपको मैदे के हिसाब से बता रहा हूँ। थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी चीनी डाली है ताकि मैं टेस्ट को न्यूट्रलाइज कर सकूँ। थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डाला है और लगभग 2 चम्मच अब मैं ऑयल कुकिंग ऑयल घर में जो यूज़ करता हूँ वो डालूंगा। इसके बाद मैं लगभग 3 चम्मच घर की दही का इस्तेमाल करूंगा ताकि फर्मेंटेशन हो सके खमीरा जा सके ये नान का डो। इसलिए मैं लगभग 3 चम्मच भर के इसमें दही के डाल रहा हूँ। अब दोस्तों मैं इसको अच्छे से गूंथूंगा और उसके बाद गूंथने के बाद चेक करूंगा कि कितने पानी की जरूरत पड़ेगी और उस हिसाब से इसमें पानी को ऐड किया जाएगा। तो सबसे पहले इसको अच्छे से गूंथ ले मिक्स कर ले। मुझे लगता है दही डालने के बाद ज़्यादा पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी इस नान के आटे को डो को खमीरने के लिए। तो चलिए हमने थोड़ा सा इसमें पानी फटाफट से ऐड कर लेना है, बहुत थोड़ा ही, लगभग मैं कह सकते हैं आप 10-15 चम्मच के आसपास पानी ऐड करा और बस इसको अच्छे से आप गूंथ लीजिए। ये झटपट गूंथा जाएगा, अच्छे से मल जाएगा और इतना ज़बरदस्त ये डो बनके तैयार होगा। आपको इस डो को गूंथने के बाद कुछ देर छोड़ के रखना होगा ताकि अच्छे से खमीरा जा सके। अब ये हमारा अच्छे से डो तैयार हो चुका है नान का, तो अब हम इसके ऊपर फटाफट से थोड़ा सा कुकिंग ऑयल बटर जो भी आप डालना चाहें वो लगा लीजिए, बहुत थोड़ा सा, और अच्छे से मिक्स करें। मैं हमेशा ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करता हूँ, थोड़ा सा हेल्दी लगता है मुझे, या फिर सरसों के ऑयल का। बस इसको अच्छे से ऐसे गूंथा और इसको 15 से 20 मिनट किसी भी मलमल के कपड़े से, किसी डब्बे से, किसी प्लास्टिक से आपको ढक के रखना होगा 15 से 20 मिनट के लिए। तो मैं 1 कटोरी से ढक के रख रहा हूँ। लगभग 15 से 20 मिनट के बाद ये देखेंगे कैसे आटा मेरा अच्छा सा फूल जाएगा और ये अच्छा सा खमीरा जाएगा। ये अच्छे से अब आटा हमारा खमीरा जा चुका है, बहुत ही बढ़िया। बस इसको अच्छे से एक बार फिर से गूंथ लेते हैं। उसके बाद परथन के लिए इसमें थोड़ा सा मैदा या फिर आटा जो भी आपका मन हो वो ले लीजिए, मैदे से बढ़िया स्वाद आएगा। तो हमने अब इसके डो बना लेने हैं हमारे मैदे के साइज़ के फटाफट से। तो अब हम इसमें से लगभग 6 से 7 डो निकाल लेंगे। ये देखिए, आप अपना नान बड़ा रखेंगे तो डो कम निकलेंगे और नान छोटा रखेंगे तो डो ज़्यादा निकल जाएंगे। तो सारे के सारे डो हमने निकाल लिए हैं, अब झटपट हमें इनको बेलना होगा। तो हम अब क्या करेंगे, इसको बेलने के लिए हमने एक चॉपिंग बोर्ड ले लिया है घर पे और उस पर अच्छे से थोड़ी सी ऑयलिंग कर ली है। ये देखिए, ये अच्छे से आप इसको अप्लाई कर लीजिए, थोड़ा सा ही लगाया, और इसको अच्छे से अब हम नान की शेप में मल लेंगे और तैयार कर लेंगे। ये घर पे इतने स्वादिष्ट नान बनके तैयार होते हैं, इसे हम कहते हैं देसी जुगाड़। ये बढ़िया नान तैयार हो जाते हैं और इतना फर्स्ट क्लास इसका ज़बरदस्त स्वाद आ जाता है दोस्तों, घर में ही आपको मार्केट जैसा स्वाद मिल जाता है। बस आपने बेला, बहुत थोड़ा सा इस पर पिंच ऑफ ऑयल लगाया ताकि इसके ऊपर कलौंजी, जीरा, जो भी आप टिकाना चाहते हैं अच्छे से टिक जाए, थोड़ा सा धनिया डाल दीजिए और बस ये आपका नान अच्छे से तैयार हो गया। अब समय आता है इसको कैसे हमने कढ़ाई की बैक साइड पे तैयार करना है। तो सबसे पहले हमने क्या करा, एक भी एल्यूमिनियम की कढ़ाई ले ली है, मैं हमेशा से एल्यूमिनियम की कढ़ाई पे ही तैयार करता हूँ, और उस पर हल्की सी ऑयलिंग कर दी, बहुत थोड़ी, या हाथ में लेकर या फिर डायरेक्ट ऑयल डाल दिया, बस ऐसे अच्छे से अप्लाई कर दीजिए। अब वापस चलते हैं इसमें अप्लाई करने के बाद ऑयल नान की तरफ। नान की बैक साइड पे अब हल्का सा लगा दीजिए पानी, उससे क्या होगा ये कढ़ाई से चिपकता भी है और छुटवाते ही छूट भी जाता है, अच्छी ग्रिप बन जाती है ऑयली की वजह से, जो हमने कढ़ाई पे लगाया छूट भी जाएगा और पानी की पकड़ भी अच्छी बन जाती है। तो आप जितने आपकी कढ़ाई की बैक साइड पे नान आ सके उतने नान तैयार कर लीजिए। मैंने पहला नान लगाया और अब मैं यहाँ पे दूसरा भी तैयार करने आ गया, ये नान की शेप करी तैयार, फिर से इस पे लगाया थोड़ा सा बटर या ऑयल जो भी आपके पास अवेलेबल हो, और उसके बाद फिर से इसके ऊपर कलौंजी या जीरा जो भी आपके पास अवेलेबल हो, कलौंजी ना हो तो भुना हुआ जीरा ले लीजिए, और उसके बाद वैसे ही ऊपर दोबारा से थोड़ी सी डाल दीजिए धनिया की पत्ती। बस ये फटाफट से अब हम सारे के सारे नान अपनी कढ़ाई के बैक साइड पे लगा के आपको दिखा देते हैं। मैं लगभग 4 नान लगा लूँगा इस कढ़ाई की बैक साइड पे, कढ़ाई ज़्यादा बड़ी होती तो 6 भी लग जाते और थोड़ी छोटी होती तो 2 ही लग पाते। पीछे फिर से पानी लगाया और ये अब अच्छे से हमारी कढ़ाई को पहुँच गया। अब दोस्तों सारे के सारे आप ऐसे नान अपने लगा दीजिए जितने भी लग सकें, मुझे लगता है लगभग 4 नान ही लग पाएंगे। इनको क्लोज करके फटाफट से 4 नान इसके ऊपर लगा देता हूँ। तो ये लगा हमारा दोस्तों झटपट 4th नान भी, ये देखिए। तो अब दोस्तों
फटाफट से हम गैस को कर लेते हैं ऑन और ये अपने नान जो हैं इनको कर देते हैं सेकने को तैयार। इसलिए अब हमें गैस को मीडियम आंच पे ऑन कर देना होगा। दोस्तों अब इसको लगभग 2 मिनट के लिए पकाएंगे या 1-1.5 मिनट के लिए, डिपेंड करता है आपकी हीट के ऊपर। तो आप देखेंगे कैसे जो हमने आटा खमीरा था उसकी वजह से नान के ऊपर बबल जाने शुरू हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है, नान बढ़िया तैयार हो रहा है। अभी देखिए बस मस्त बबल जाने शुरू हो जाएंगे, लगभग 20-25 सेकंड आधे मिनट में ही बबल्स अच्छे आने शुरू हो जाएंगे और आपके सामने है नान वाली पूरी लुक आ गई इसकी। तो ये लगभग 1-1.5 मिनट में अच्छे से सिक जाएगा और अच्छे से थोड़े बबल्स आने देते हैं क्योंकि बबल्स अभी छोटे हैं और इस पे नान पे बड़े बड़े बबल्स आते हैं। तो देसी घर पे मस्त जुगाड़ है दोस्तों इन नान तैयार करने का, मुझे लगता है आपको बेहद ही पसंद आएगा। घर में बच्चे बड़े सभी इस नान को बहुत ही उंगलियां चाट के खाते हैं और घर में सब्जी के साथ, दाल मखनी के साथ, तो इस नान का मज़ा ही अलग है। तो देख सकते हैं दोस्तों कैसे अच्छे से बड़े बड़े फूलावट आ चुकी है, बबल्स आ चुके हैं इस नान में, बस इसी का इंतज़ार था हमें। तो इसका मतलब अब ये लगभग 90% पक चुका है पीछे वाली साइड से। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, फटाफट से कढ़ाई को उठा लेते हैं, कपड़े ले लेंगे सबसे पहले दो और दोनों साइड से पकड़ के अब इसे सेक लेंगे। ये देखिए तंदूरी, बढ़िया हमने इसको सेक लेना है, कुछ इस तरीके से सिकेगा और ये ऊपर से बढ़िया रोस्ट हो जाएगा, ब्राउन हो जाएगा नान। और बस हमारे को वैसे ही नान को ब्राउन करना होता है। ये बहुत सुपर सॉफ्ट और बढ़िया बन के तैयार होता है नान और बच्चे बड़े, जैसे कि मैंने आपको बताया, सभी बड़े स्वाद से खाते हैं घर पे ही बिना तंदूर के। कढ़ाई की बैक साइड पे ही आपको देखो कैसे बढ़िया तंदूर का मज़ा आ गया। तो दोस्तों ये देखिए, सोचा भी था आपने इतना बढ़िया नान बन के तैयार हो जाएगा। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, नान को अच्छे से सेक तो लिया ही है, फटाफट से सीधा कर लेते हैं गैस को बंद करके कपड़े की मदद से और ऊपर इस पर थोड़ा सा घी बटर जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो अप्लाई करिए। उतारने से पहले ही अप्लाई करिएगा क्योंकि अभी थोड़ा गर्म है, आराम से उतरेगा। इससे अच्छा है हम यहाँ पे इसके ऊपर अच्छे से घी लगा दे, मेल्ट भी हो जाएगा, नहीं तो ठंडा हो जाता तो घी भी अच्छे से मेल्ट नहीं होगा। ये अब अच्छे से ब्रश की मदद से हमने कर दिया अप्लाई और अब हम कोई भी स्पैचुला ले लेंगे जिसकी मदद से इस नान को हम उतार लेंगे। ये नान इतने बढ़िया बन के तैयार हुए हैं दोस्तों, देखिए कितने आसानी से उतर गया है, कहीं नहीं चिपकता बिल्कुल भी। पीछे से मैं आपको दिखाता हूँ अगला नान, इतना बढ़िया बन के तैयार हो जाता है, कहीं से कुछ नहीं चिपकता, आसानी से छूट जाते हैं। ये देखिए बैक साइड से देखिए फ्रेंड, एकदम प्रॉपर नान बन के तैयार हुआ है। आपको कम पकाना हो थोड़ा कम पका लें और आपको लगे ये ठीक है तो ऐसे ही छोड़ दीजिए। ऐसे आप मिस्सी रोटी भी बना सकते हैं, तंदूरी रोटी भी बना सकते हैं, नान भी बना सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। घर पे तंदूरी आपको बनाने का मन हो ऐसे बना लीजिए, आसानी से बन जाएगा। मैं चलता हूँ, कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताइएगा।